नमस्कार, स्वागत है आपका बी वेल्दी के नए वीडियो में। काफ़ी दिनों के बाद एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना रही हूँ। टॉपिक क्या है? न्यू फंड ऑफर, NFO में निवेश किया जाए या फिर ना किया जाए। जब भी बाजार में नया NFO आता है तो आप ये सवाल पूछते हैं, और आज अभी जितने भी NFO बाजार में मौजूद हैं और आने वाले तमाम NFO से जुड़ा ये अहम सवाल कि उसमें निवेश किया जाए या ना किया जाए, उसका जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। ज़रा गौर से सुनिएगा और देखिएगा आखिर तक। देखिए, ज़िंदगी के कई पहलू होते हैं और निवेश एक पहलू है और बाकी तमाम तरह के अलग पहलू, सभी में सिमिलैरिटी होती है। अब इस बात को जहन में रख के आगे की बात सुनिए। हमको अपने निवेश में शॉपहोलिक नहीं बनना है। अपने घर में या दोस्तों के घर में ज़रा देखिएगा कि अलमीरा खुलता है तो कपड़े यूँ मुँह पर गिरते हैं, जूतों के रैक में जूतों को सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन हम फिर भी नए नए चप्पल जूते उसमें ठूसते रहते हैं। मेकअप बॉक्स खोल के देखिए महिलाएं, अपना उसमें कई सामान ऐसा मिल जाएगा उसमें जो आप कभी इस्तेमाल ना कभी किया है ना कभी करने की सोच रहेंगी, लेकिन है उसमें। अब जब भी बाहर जाते हैं तो एक नई शर्ट, एक नई साड़ी, एक नया सूट, नए चप्पल, कुछ नहीं तो भाई चलो एक छोटू सी लिपस्टिक तो खरीद ही लेते हैं। उसमें क्या जाता है? जाता कुछ नहीं है ज़्यादा, आपका बस पैसा आ जाता है और आपके सामने सामान का अंबार लग जाता है। और फ़ायदा किसका होता है? आप समझदार हैं, खुद समझ लीजिए। तो जब आप यही काम निवेश में करते हैं तो आपके पास आपका जो पोर्टफोलियो है वो रायते की तरह फैलता रहता है, रिटर्न पे कुछ असर नहीं पड़ना उसका, और आपको उतना बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करने में जो दिक्कत होती है वो बात अलग है। दूसरी बात आपको समझने की क्या है? समझने की बात ये है कि आप ये देखें कि भाई ये AMCs नए फंड्स क्यों लेकर आते हैं। देखिए, इसको उदाहरण से समझिए। ऐसे एक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं वो आपको फैशन ट्रेंड बताते हैं कि ये सीज़न में ये कपड़े चलेंगे, उस सीज़न में ये कपड़े चलेंगे, ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है, इसको तो पहनना ही बेकार है, अब कैसे पहनोगे तुम इस तरह के कपड़े। अगर आप इन सब की बातें सुन के अपना स्टाइल चेंज करते रहेंगे तो वही होगा कि आपका घर खुद एक फैशन की दुकान बन के रह जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे कम रहेंगे। और फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा होगा इंडस्ट्री का, फैशन इंडस्ट्री का। अगर आपको ये बात समझ में आती है तब तो ठीक है, नहीं आती है तो इस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिए पहले। अब ऐसा ही AMCs यानी फंड हाउसेस के साथ भी होता है। अब वो भी नए नए फंड्स लेकर आते रहते हैं, लेकिन उनके सामने रेस्ट्रिक्शन है कि भाई देखिए सेबी ने कह दिया कि आप लार्ज कैप में एक ही फंड लेके आ सकते हैं, मिड कैप कैटेगरी में आप एक ही फंड लॉन्च कर सकते हैं। तो अब वो नए फंड कैसे लेकर आएंगे? वो लेकर आते हैं थीमेटिक कैटेगरी के अंदर, क्योंकि वहाँ सेबी ने उनको रियायत दी हुई है कि आप अलग अलग थीम के फंड्स लॉन्च कर सकते हैं। अब इस लाइन को ज़रा फिर से गौर से सुनिए कि आप थीमेटिक कैटेगरी के अंदर नई नई थीम के कई फंड्स लॉन्च कर सकते हैं। अब थोड़ा पीछे जाइए, पिछले 8-10 महीनों में आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी NFOs आए हैं उसमें से मैक्सिमम थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आए हुए हैं। तो अगर आप इस तरीके से सीजन बदलने के साथ साथ जो नए नए फंड आते हैं नए नए थीम के, उसको उसमें निवेश करने की सोचेंगे या निवेश करेंगे तो आपके आपके पोर्टफोलियो में फंड का अंबार लग जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा, रिटर्न पे कुछ खास असर पड़ता नहीं है। अब होता ये है कि जब ऐसे नए फंड आते हैं तो उसको इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया तो कुछ मेजर मिसिंग हो जाएगी लाइफ में। ये कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट पे खेलना। आपके सामने बैंक का जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके से प्रमोट करता है उस फंड को कि अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया तो आप बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमाने का मौका गंवा देंगे, और अगर आप इस फियर ऑफ मिसिंग आउट के या फोमो इसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में, अगर इसके तहत आ गए, इसके अंदर इसके ग्रिप में आ गए, तो फिर आपका पोर्टफोलियो ऐसा 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 पहाड़ की तरह होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ज़रा आपको गौर करना है कि आपको म्यूचुअल फंड निवेश में या किसी भी तरह के निवेश में आपको शॉपहोलिक नहीं बनना है। और बाय द वे, ये नई स्कीम लॉन्च करने के पीछे एक और भी वजह होती है जो आपको किसी भी स्कीम के डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिलेशनशिप मैनेजर आपको ये बात बताएगा, लेकिन मैं बता दूँ। देखिए, नई स्कीम मतलब नया AUM, ज़्यादा बड़ा AUM, बड़ा AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब उस पर ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ी, ज़्यादा मैनेजमेंट फ़ी मतलब फंड हाउसेस की ज़्यादा कमाई।
अब आप ये कहेंगे कि पुराने फंड पे भी तो AUM बढ़ता ही रहता है, वहाँ भी नया निवेश आता है, नए निवेशक निवेश करते हैं, तो ये बात सही है आपकी। लेकिन यहाँ पर ना सेबी ने एक नियम बनाया हुआ है, एक कैपिंग की हुई है। फंड हाउसेस किसी भी एक स्कीम में एक AUM पे एक सर्टेन फी ही चार्ज कर सकते हैं, इसको टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं TER, उसकी कैपिंग की हुई है। ये चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर पहले 500 करोड़ के AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट में जो मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो एक फंड हाउस चार्ज कर सकता है वो है 2.25%। जैसे जैसे AUM बढ़ता रहता है एक स्कीम का, उसका TER का जो मैक्सिमम लिमिट है वो कम होता चला जाता है। 2.25% से वो 2% आता है, फिर 1.75% आता है, 1.60% आता है। तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे एक फंड में या स्कीम जिसको हम कहते हैं उसका AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा होता जाता है, उसका TER टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होता जाता है, मतलब फंड हाउस कम एक्सपेंस रेशियो वहां पर चार्ज कर सकती है। तो जो नया फंड लॉन्च होता है उसमें आपको फंड हाउसेस को ज़्यादा TER लगाने का या चार्ज करने का मौका मिलता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। साथ ही एक बात ये भी कि जो नया फंड आता है उसको प्रमोट करना, मार्केट करना, उसकी पैकेजिंग करना ज़्यादा आसान है किसकी तुलना में, किसी पुराने एग्जिस्टिंग स्कीम की तुलना में। देखिए जब भी आप जाते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम चुनने अपने लिए, तो आप क्या देखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। और ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पर सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस से नहीं है मेरा, आप ये देखते हैं कि भाई पीछे बीते कुछ सालों में जब मार्केट्स ऊपर नीचे अलग अलग साइकिल्स में रहा है तो उस फंड ने कैसा परफॉर्मेंस उस वक्त दिया है, कितना गिरा कितना बढ़ा, तमाम तरह के रेशियोज आपको देखने को मिलते हैं, आपको फंड मैनेजर का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करने को मिल जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आपको पुराने फंड में ट्रैक रिकॉर्ड के तहत आप उसको चेक कर सकते हैं। नए फंड में आपको कुछ भी ये सब देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही जितने भी फंड लॉन्च होते हैं नए NFOs, आप उसमें ऑलरेडी पुराने फंड्स वहाँ पे मौजूद हैं उसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी वाले, तो ये बात भी आपको ख्याल में रखनी है। साथ ही आप ये बात भी कहते हैं कि नए फंड में NAV सस्ता होता है, ये एक पहली बात, NAV सस्ता और महंगा वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रही हूँ पुराने वीडियो का, जहाँ पर हमने NAV को बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया है। NAV बेसिकली आप एक यूनिट्स खरीदने के लिए पैसे दे रहे हैं। किसी भी स्कीम की जो कमाई होती है, रिटर्न आता है, वो उसकी होल्डिंग के परफॉर्मेंस पे आता है। NAV का रोल वहाँ पे कुछ नहीं होता। तो आप अगर ये समझते हैं कि NAV सस्ता और महंगा है तो ये तो सोच ही गलत है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखकर NFO को चुनना कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी। अब आपने करना क्या है, देखिए तीन सवाल के जवाब आपको चाहिए जब भी आपके सामने कोई नया फंड ऑफर आता है, कोई उसको आपको बेचने की कोशिश करता है। इन तीन सवाल के जवाब अगर आप खुद से निवेश करते हैं तो आपके पास होने चाहिए, कोई और आपसे करवा रहा है तो वो आपको इन तीनों सवालों के जवाब सही तरीके से दे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल आप ये पूछेंगे खुद से और सामने वाले से कि इस फंड में नया क्या है। नाम है ना न्यू फंड ऑफर, इसमें नया क्या है। दूसरा सवाल कि क्या ऑलरेडी बाजार में ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तीसरा और अहम सवाल कि ये जो नया फंड है ये मेरी कौन सी इन्वेस्टमेंट नीड को पूरा कर रहा है, मेरी निवेश की किस जरूरत को ये पूरा कर रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में वो कौन सा गैप है जो ये फंड भरेगा आगे। अगर इन तीनों सवालों के जवाब आपके सामने हैं, आपको सही तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटर सेटिस्फाई कर रहा है इन जवाबों से, तब आप इस फंड कोई भी NFO को लेने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने की सोच सकते हैं। अदरवाइज आपको करना है थैंक यू सो मच बट नो थैंक्स। ये तीन चीज़ें, ये तीन सवाल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और जो मैंने पहले की बातें बताई हैं वो आपको अपने जहन में रखनी है। तो ये रहा इस सवाल का जवाब कि NFO में निवेश करूं या फिर ना करूं। तो अब आपकी राय इस पूरी बात पे क्या है वो मैं जानने के लिए उत्सुक हूं, तो आप मुझे वो नीचे कमेंट करके बताएंगे।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बी वेल्दी चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, आपको हमारे नए वीडियो का अलर्ट मिल जाएगा। और इंस्टा वगैरह पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं और ट्विटर पे, तो वो मैं अपना जो हैंडल होता है वो मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सुनने के लिए और देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। याद रखें, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत 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 सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।